क्या होगा, जीरो रखेंगे तो क्या होगा, और ऑप्टिमम क्या होगा। एग्जैजरेट डिस्टेंस पर है, इंफिनिटी का डिस्टेंस होता नहीं है, जीरो डिस्टेंस भी नहीं होता, बट ऑप्टिमम वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस की, कि आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन रहे। दूसरा कांसेप्ट स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, व्हाट इज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मींस, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी का कांसेप्ट इज लाइक अक्सर हम लेवल लेने पे बात करते हैं ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सीटें बनी हुई है बनते नहीं है, इस रिसोर्स क्या है चेयर्स या डेस्क बनने की तरह बाहर के अंदर ये यूटिलाइज नहीं हो रहे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो फुली यूटिलाइज्ड। हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 100% मींस कि आप पूरा स्पेक्ट्रम फुली यूटिलाइज करें, पूरा आपके पास जो लाइसेंस बैंड है, जो आपके पास स्पेक्ट्रम है, वो 100% आइडियली या मैक्सिमम वो यूटिलाइज। दैट्स व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। सो व्हाट डू यू वांट, यू वांट स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी टू बी द मैक्सिमम। रीयूज डिस्टेंस वी वांट इट नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम बट ऑप्टिमम। ठीक है, दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, द डिसीजन इज द नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स, द नंबर ऑफ एंटेनास, द साइज ऑफ द सेल बिगर और स्मॉलर, व्हाट इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ द सेल। ठीक है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स को बाय पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर सकते, बट यू कैन जस्ट यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर एक सब्सक्राइबर है तो आप कह सकते हैं दो तीन या दो या एक कमेंट के साथ दूंगा। As the reuse distance decreases, inter-cell interference increases owing to the smaller propagation distance between interference cells. Okay? So the next concept is, चूंकि अगर हम reuse distance कम करेंगे तो interference बढ़ेगी। Co-channel interference mitigate करना is a challenge. Mitigating the co-channel interference ज़्यादा होगी, क्योंकि आप closer, यार closer to each other, C1 and C1 like this distance is 10 meters, for 10 kilometers for example, ठीक है, तो अगर आप इसको कम करेंगे तो ये cell size क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब cell size कम हो जाएगा तो distance कम हो गया, आप transmitters एक दूसरे के साथ करीब है तो क्या है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम क्यों इसको क्लोजर कर रहे हैं, अगेन माय क्वेश्चन, व्हाई वी वांट स्मॉलर सेल साइज। हमें सर उसके रेटिना हाइट से ऊपर निकलने पड़ेंगे, उसके पावर्स बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो वाली इश्यू से कर नहीं, इधर है द ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे पास चैनल्स नहीं है, हमने उनको इट्स लाइक रोड नेटवर्क, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो आपने फ़ौरन रोड बनाने पड़ेंगे या उनको वाइड करने पड़ेंगे जो पहले से रोड बने हुए। जी आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे सर? मैं करने से कम पाकिस्तान में एक ही बंदा जो है पाँच पाँच चार चार सिम रख लेता है। हाँ खरीदते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप फोन खरीदते हैं जिसमें हमारे पास कॉल पहले नहीं आते फोन जेल वगैरह के, उसमें जेल के सिम चलता था या जॉन वगैरह के जॉन के सिम चलता था। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आज भी सारी चीज़ आती है, तो आप जो बंदा सस्ता कर फोन खरीदता है वो प्री बुक एक कंपनी का रिटर्न फाइल करता है कि मैं आपके ही सिम या आपके रेंट यूज़ करूँगा, उसके बाद कोई वो फोन कोई और सिम नहीं उठाता। नहीं, वो तो रिस्ट्रिक्शन या वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से होती है। आप ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन जेज वालों ने इंट्रोड्यूस किया, और वो ये बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक्स है कि आपने मोबाइल, वो आपको मोबाइल फोन फ्री में दे रहे हैं सो दैट वो आपको लूटे बाय द टैरिफ ऑफ द काले। आप ये बात कर रहे हैं जैसे अभी जो फोन चल रहे हैं, जैसे कि आईफोन वगैरह आते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो सेल किए गए हैं,
अप्रूवल आप लेते हैं वो बेसिकली टैक्स सिस्टम की वजह से है। टेक्निकली इन चीज़ों पे कोई वो एज सच वो नहीं है, लेकिन वो उसमें एक पेरेंटी बिट होगी, उसको ऑन और ऑफ करना है। तो जो अब आप बात कर रहे हैं वो शायद ये है कि एक फ़ोन आपने आईफोन आपने उधर लिया जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, तो कोई भी प्रोडक्ट जब बाहर मुल्क से पाकिस्तान के अंदर आएगी तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए उस पर कस्टम लगता है। अब वो कस्टम पे का पेमेंट का एक तरीका इन्होंने यही निकाला है कि आपको मजबूर करे, चूँकि चोरी से आती है मतलब रास्तों पे नाके नहीं लगाए जा सकते इसमें, तो आपको इस तरह मजबूर करते हैं कि वो काम नहीं करेगा, लिहाजा आप पीटीएस से उनकी वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद पाकिस्तानी सिम उसमें काम करेंगे। मैं राइट मुझे उसका उस तरह अभी आपकी समझ नहीं आती क्यों ऐसा। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, लेकिन यहाँ भी नेटवर्क चलता है। कोई भी फोन टेक्नोलॉजीज हैं या शायद अभी नए वाले फोन में ये इतनी फ्रिक्वेंसीज नहीं दिख रहे होते। बहरहाल एट द मोमेंट अगर मैं ये बात करूँ, लेट्स सपोज 5G का टेक्नोलॉजी है बट ये फोन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब अगर पाकिस्तान में 5G का लाइसेंस नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो एक हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर सकते हैं कि वो फोन में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप उसको किसी रीजन में जाके यूज कर सको, तो इसलिए कोई भी ये रेडमी जो भी है इसको जब वो चाइना में ये बनती है तो वो नेशनल और इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव में दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी इसमें 5G का एंटेना लगा होगा तो तब ये जाके अमेरिका में काम करेगा, नहीं लगा होगा तो नहीं करेगा। एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा ये है कि उस पर एक ऐसा लॉक लगा रहा है जो अक्सर लोग प्रैक्टिस कर देते हैं, लाइक पूरा फर्मवेयर दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं, या जो उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर रख देते हैं जिस तरह पासवर्ड टाइप कोई चीज़, तो वो फिर पीटीए के पास उसका एक्सेस होगा, वो पीटीए अपने हिसाब से यानी पीटीए के इंस्ट्रक्शन पे वो लिख उनको उससे कराएंगे और फिर बिटवीन स्टेट्स वो एग्रीमेंट्स होती है ना, तो वो टैक्स वाइज मैं उस तरह बात कर रहा हूँ। एक वो पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम चूँकि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बात करना चाह रहे होते हैं, हम उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, वो तो एक लैब फीचर है बस, सिक्योरिटी फीचर डाली है, एक लॉक लगाया है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंटेल के प्रोसेसर थे उसमें उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं करना होता, लेकिन एक फीचर है वो आपको डिसेबल करके सेंड किया होता है, तो जब तक आप रिसर्च करते रहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके उसको ब्रेक नहीं करते हैं तो तब तक उन्होंने बहुत पैसा कमाया होता है। और जैसे उनको पता चल जाता है कि सब उन्हें पाकिस्तान है रिवर्स इंजीनियर्ड और अब उनका वो उनके पास क्रैक आ गया, तो फिर वो क्या कर देते हैं, वो फीचर इनेबल करके आपके क्रैक का बड़ा कर देते हैं, यानी आपको फ्री में दे देते हैं नेक्स्ट वर्जन में। सो दिस इज ऑल मार्केटिंग टैक्टिक्स जो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मैं चीज़ समझ तो नहीं आ रही, इसमें ऐसे आर वैल्यू कोई जाता हुआ भी कोई नहीं है। व्हाट इज सर, ये लाउडस्पीकर के आगे LUFS क्या लिखा है? लाउडस्पीकर ये टेक्नोलॉजी है, ये मुझे नहीं पता। -28 ये मुझे नहीं आया। मैं इसमें ऐसे आर वैल्यू पहले ढूंढता था वो होती थी, अब नहीं है।
बस ऐसी अच्छे जी सेल साइज स्मॉल होगा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो जाएंगे लेकिन को चैनल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी सो रीयूज डिस्टेंस जो है ना वो हमें कैलकुलेट करना है दिस इज रीयूज डिस्टेंस दिस इज रीयूज डिस्टेंस दिस इज रीयूज डिस्टेंस ठीक है और अगर आप एक चीज देखें तो इस स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अब आपको लग रहा है कि ये सारे रीयूज जो है वो एक जितने हैं So that's what is the idea जो मैं आपको last time दे रहा था कि it's more like a circle या closer या approximate circle से है ठीक है so however as the real distance decreases intercell interference increases owing to the smaller propagation distance between these cells since intercell interference must remain below a given threshold for acceptable system performance reuse distance cannot be reduced below some minimum value ठीक हो तो कल हम डिस्कस कर रहे थे वाईफाई को उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड को अगर आपके घर में वाईफाई अगर आपका लेट सपोज 10 मरले का घर है ठीक है और इस 10 मरले के घर में आपने लेट सपोज बिल्कुल सेंटर में वाईफाई लगाया हुआ है ठीक है तो आपके पास वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन में टू ऑप्शन है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ अब आप कैसे इस चीज को कि ये आपका वाईफाई नेवर से यूज ना कर सके तो क्या यहां पर क्या करेंगे व्हाट यू विल डू क्योंकि आपको लग रहा है कि नेवर से इसको यूज कर रहा है किसी तरह उन्होंने पासवर्ड ब्रेक कर लिया व्हाटएवर वो सारी बातें अब बात सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी यू प्रेफर 5 गीगाहर्ट्ज़ क्यों क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो डिस्टेंस कम करेगा सो अगर 4 गीगाहर्ट्ज़ यहां तक आ रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यहां तक आ रहा है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ यहां तक आएगा प्लस इसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ आपको हाई डेटा रेट भी देगा हाई स्पीड ठीक है इस चीज को समझ रहे हैं लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं आपने कमरे जो है ना स्टील वायर्स के बनाए हो तो फिर देन पॉसिबली वो पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगी सो गेस्ट रूम में फिर आपका शायद सिग्नल ना आए सो लिहाजा यू गॉट टू ऑप्शंस तो अगर आपके ये स्टील वॉल्स है घर के फॉर एग्जांपल तो मुमकिन है फिर आपको वापस 2.4 सो हिट एंड ट्रायल इज अगेन रिक्वायर्ड बट यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि क्या कर रहे हैं किस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए ठीक है तो वी आर एग्रीइंग के लो फ्रीक्वेंसी पे पेनिट्रेशन पावर थ्रू द वॉल्स विल बी मोर हाई फ्रीक्वेंसी पे रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल्स एंड फ्लोर्स एंड व्हाटएवर जो भी आइटम जो भी आपको चीजें हैं उससे ज्यादा होगी In practice, it is quite difficult to determine this minimum value. However, since both the transmitting and interfering signals experience random power variation due to characterization of signal propagation, the signal propagation हमने पढ़े थे, ठीक है? उस वक्त हमारा सारा focus outdoor propagation effects के ऊपर था, clouds की वजह से, vegetation की वजह से, distance की वजह से, frequency की वजह से, फिर हमने कहा था कि सो डे टाइम नाइट टाइम ठीक है यानी सन रेज का इफेक्ट है या नहीं है ठीक है अंधेरे और रोशनी की बात नहीं हो रही बेसिकली सन रेज यानी एनवायरनमेंट में हीट कितना है टेम्परेचर का इफेक्ट ठीक है या फिर उसके अलावा आप कह सकते हैं कि फिर एंटेनास लगे हुए हैं वो भी आपको इंटरफेरेंस के पर्सपेक्टिव में बताया था या मुख्तलिफ चले सो रैंडम पावर वेरिएशन आउटडोर एंड इनडोर इन दोनों का भी आपने अलग अलग ठीक है इन ए प्रोपेगेशन मॉडल्स फॉर इनडोर कम्युनिकेशन प्रोपेगेशन मॉडल्स फॉर आउटडोर कम्युनिकेशन ऑब्वियसली क्योंकि सब कुछ डिफरेंट है एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है एक शॉर्ट डिस्टेंस है इनडोर तो कोई शॉर्ट ही डिस्टेंस होती है यानी किसी हाउस में किसी बिल्डिंग में सेंटोरस के अंदर इस तरह इन टर्म्स ऑफ
फ्लोर्स को क्रॉस करना, ठीक हो गया? In order to determine the best reuse distance and best station placement and accurate characterization of signal propagation within that cell as needed. So, पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटेना उस पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने डिस्टेंस तक और कैसे. तो इसी वजह से कल मैं बात कर रहा था कि we'll be installing a directional antenna like at these four, three, let's suppose. ठीक है, अगर आपने ये तीन लगा दी, अब हो सकता है कि लेट सपोज कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये पॉपुलेटेड है, ये लेस पॉपुलेटेड है, ठीक है. तो यहाँ पर सिक्स लगे हुए हैं, ठीक है. सो यू डू समथिंग कि आपको लग रहा है कि ये वाला आपस में लेट सपोज इनका हो रहा है, सो यू कैन चेंज इट लाइक दिस. यहाँ पर तो तीन लग लेते, आप इसको इस तरह लगा दो. तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है कि पॉपुलेटेड था इसकी इसकी वजह से इसके साथ मैंने आई देयर को चैनल, ठीक है. वो तो मैंने पहले नोट नहीं किया. दिस इज यूजिंग C1, दिस इज यूजिंग C1. सो इसको आप इस तरह भी व्हाट वी कॉल इट स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग द बेस स्टेशन, ठीक है. बेसिक टर्म्स अभी एक बार फिर देख लेते हैं. सेलुलर सिस्टम सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्पेक्ट्रल कंजेशन, ठीक है. सेलुलर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पेक्ट्रल कंजेशन, ठीक है. नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे, स्पेक्ट्रम कम होगा, यानी दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रल कंजेशन, ठीक है. नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास मोबाइल फोन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके पास नेटवर्क में कैपेसिटी नहीं है कि वो एंटरटेन करें. अगेन मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ. ये नेटवर्क इज लाइक रोड नेटवर्क्स, मोबाइल फोन्स और लाइक कार्स. पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, रोड पर जगह नहीं होती. यू हैव टू एक्सपेंड द नेटवर्क या द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क. सो जब आप कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें मजीद एंटेनाज लगाने पड़ेंगे या हमें वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, व्हाटएवर इट इज़. क्योंकि ये फिक्स वॉल्स नहीं है. कल जो मैं मजाक कर रहा था कि दीवार लगाई है, दीवारी चीज बनाए हुए हैं, तो वो दीज आर ऑल वर्चुअल डिवीजन बाउंड्रीज बिटवीन वन सेल एंड अनदर सेल, ठीक है. ऐसा ही है. High capacity. What is capacity? Capacity of the network. ठीक हो गया. So next time आप capacity का लफ्ज़ use करेंगे. Capacity means कि कितने users को आप quality of service, minimum quality of service के साथ services provide कर रहे हैं वो. ठीक है. अब उस services आजकल क्या है? Voice communication, 4 kilohertz का bandwidth. वॉइस कम्युनिकेशन, सिर्फ उसने वॉइस में बात करनी है. और नंबर टू डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें कोई बैंडविड्थ का कोई एसएच रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मिनिमम 4K है, मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट. क्योंकि अगर किसी को ख्वाहिश है कि वो एक सेकंड में ही बड़ी मूवी डाउनलोड करे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ देना पड़ेगा. सो दूसरी जो सर्विसेज है वो डेटा है, ठीक है. High capacity is achieved by limiting the coverage area of each base station to a small geographical area called cell. ठीक है? Replacing high power transmitter with several low power transmitters. Small cell size होगा, तो power transmitter जो है वो transmitting power कम लगेगी. क्यों? क्योंकि आप थोड़े से distance हैं. अगर हर कमरे में एक base station लगाए जाए, तो उसका objective क्या है? उसमें उस कमरे में ही ट्रांसमिशन करनी है, तो पावर आपको क्या चाहिए होगा? तो मोबाइल का पावर भी इस तरह उल्टा है. इन अदर वर्ड, अगर इफ आई एम लिविंग नियर टू द बेस स्टेशन, ठीक है, तो वो तो शायद इतना कम नहीं होगा मेरा ट्रांसमिटिंग पावर या यूटिलाइजेशन ऑफ बैटरी पावर. लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ, अगर उस एरिया में, एंड इट रियली हैपेंस, आप लोग इसको फील कर सकते हैं,
हम लोग जब गाँव जाते हैं ना तो हमारी बैटरी इतना ड्रेन हो गई होती है, समझ नहीं आती क्या है। अगर किसी एरिया में कंजेशन है, बेस स्टेशन ज्यादा है, आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो दो दिन की जाएगी। अगर आपके मोबाइल उसी एक्टिविटी उसी पैटर्न के साथ जो हम नॉर्मल यूजेज कर रहे होते हैं, अगर आप किसी ऐसी एरिया में चले जाते हो जहाँ पर बेस स्टेशन या सेल साइज बहुत ज्यादा है, बेस स्टेशन दूर है, तो ऑब्वियसली हाई पावर। किसी और ने इसको एक्सपीरियंस किया? Who is living in the far areas of Pakistan? कहाँ पे आप जाते हैं? सर वो मंडी मोहल्ली में का एरिया ही था, लेकिन वहाँ पर पे लाइक मैं जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ ये ही आता है, लेकिन वो अभी मुझे नहीं मिला ना वहाँ पे वो अगर आप उसको माउंटेन एरिया के हिसाब से देखेंगे तो देन यू विल बी थिंकिंग के वहां पर लो फ्रीक्वेंसी यूज होगी, ठीक है, लेकिन असल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका मोबाइल फोन बैटरी ड्रेन कर रहा है। क्योंकि व्हाई दे प्रेफर, मैंने आपको काफी जगह बताया माउंटेन एरियाज में दे प्रेफर लो फ्रीक्वेंसी, रीजन इज लाइन ऑफ साइट बहुत कम मिलती है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट प्लेन एरियाज में जिस तरह मंडी पावर पंजाब के एरियाज में, लेकिन दे आर सो मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर और वो वहाँ पर जगह जगह बेस स्टेशन नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ नॉट, ठीक है, तो उन्होंने एक ही बस टावर लगाया होगा, वो खुश हो ना खुश हो, इसीलिए जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते थे कोरोना के ज़माने में तो हमें अच्छी तरह आइडिया था कि अब बच्चों की एक्सक्यूजेस कम है और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इश्यूज उनके पास ज़्यादा हैं, तो जो नागरी बाजौर स्वाद उन इलाकों के स्टूडेंट्स होते थे ना देवर ऑल द टाइम ऑफ लाइन, कभी माइक गलती से ऑन भी हो जाता था ऑफ आर ऑफ आर ऑफ बस चलता रहता। सर वापस वो सिर्फ सिग्नल आती है तो आप डेटा यूज करते हैं, उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है अगर ये जो सर्विस प्रोवाइडर है पहले पांच थे अब तीन हो गए, अगर ये पूरे पाकिस्तान में एक हो जाए उसका फायदा क्या होगा? हर जगह नेटवर्क होगा, यानी वो जो टावर है जो अभी सिर्फ जेस का है, जेस ही यूज कर रहा है और मैं यूजर हूँ लेट्स सपोज फोन का, मैं उधर जाता हूँ तो मुझे सर्विस दो दिन के लिए नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन अब अगर हम तीन से ऑपरेटर्स को वर्क कर देंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए। अगर कंपटीशन खत्म होगी तो फिर एक ही ऑपरेटर होगा, वो कॉलिंग रेट रखेगा 1000 रुपये पर मिनट, समझे, बात समझ आ गई। कंपटीटिव एनवायरनमेंट भी होना चाहिए लेकिन फिर आपस में इस तरह के स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए कि टावर मिशन जेस का है, लेकिन अगर उस तरह यूफोन के वहाँ पर बिल्कुल जीरो सर्विसेज हैं तो देखें एग्री विद ईच अदर कि यार फॉर अ वाइल आप लोग अपने बैंडविड्थ में म्यूचुअल और वो मुमकिन है क्योंकि इट्स जस्ट बैंडविड्थ शेयरिंग, सब एग्रीमेंट्स हैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स का। मेरे वाईफाई को मैंने वर्क के साथ शेयर करना चाहता हूँ सो वी कैन शेयर द बिल। सर अगर न्यू नेटवर्क डिप्लॉय करना हो ऐसे एरिया में एक ऐसी कंट्री जो कहते हैं आपके लिए नेटवर्क नहीं है, सर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये कंपनियाँ कोई गरीब थोड़ी होती है? नहीं सर, तो है फॉरन इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये कहना चाह रहा था कि यूजली ये इस तरह की पैटर्न आउट हो सकता था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर प्लान करके अपने बेस स्टेशन लाती प्रॉपर प्लान ना कर, तो फिर उसके बाद जो कंपनी आती अगर उसको इन्वेस्टमेंट ना होती तो वो फिर अपने जो है ना उनको उस पर देती है। यार पाकिस्तान में ना कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपको पता है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं ना जिनके ऑफिस बने हुए हैं, एम्प्लॉयज भी हैं और वो बूस्ट बूस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट आला दर्जे का करप्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, ये यूफोन से बचा हुआ है पीडी से, और वो भी पार्शली प्राइवेटाइज्ड है। अरे बात और
आप इसको भी कह रहे हो कि एक स्टेप स्टेप ऑन हो जाएगी तो फिर और बड़ा हाल हो जाएगा जी। क्या कहें सर, बोल रहे हैं बातें रिकॉर्ड हो रही क्या सर, वो ब्लैक भी हो जाएगी ठीक है बात समझ रहे हैं। असल में स्टेप जो है ना वो चिल्ड्रन को सिर्फ रेगुलेशन के हद तक ही रख लेती है, बाकी स्टेप वाले इदारे काम नहीं करते। सो मैं भी डिसेल यूज कर रहा हूँ घर में हमारे पास के तौर पर, और डिस्प्ले और आ रहा है यार आज थोड़ी सी सस्पेंस आपने बढ़ा दी पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में नवाज शरीफ का हाल लेने के लिए आ गए ठीक है, असम्बलियों में बुरा हाल होता है सिटी नहीं होता फिर क्या होगा। सो दिस इज फिक्स्ड चैनल एलोकेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, फिर डायनामिक चैनल एलोकेशन होगी। दिस विल रिक्वेस्ट दिस आर दिस एंड ऑल द नेबर्स ठीक है कि मुझे कुछ 1000 चैनल चाहिए क्योंकि यहाँ पे यही वाले लोग माइट भी इधर आ गए हो, तो इधर चैनल्स इनके पास फ्री हो गए होंगे
ठीक है, सो दैट वुड बी डायनामिक चैनल रिप्रेजेंटेशन सर। ग्राम जी ये जो एरिया वाइज डिवाइड पे करते हैं, लेट्स सपोज एक पॉपुलेटेड एरिया के लेट्स पॉपुलेटेड एरिया, तो ये जहाँ से चैनल देते हैं कितने परसेंटेज आगे के चैनल में कितना स्पेस रख के जहाँ देते हैं कि यहाँ पे 100 बंदे सब्सक्राइबर है, लेट्स सपोज, तो ये सिर्फ 100। ये सारे डिसीजन जो है ना प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी होती है। अब अगर लेट सपोज एक नेटवर्क है, सादा सा एक नेटवर्क है, ठीक है, पीटीसीएल का ही है, लेट सपोज ये एक्सचेंज है और ये दूसरा एक्सचेंज है और यहाँ पर इसको टेलीफोन लगे हुए हैं, ठीक है, ये सादा सा नेटवर्क है। अब बेसिकली ये अपने रिसोर्सेज फुली ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज 1000 चैनल्स है और 1000 यूजर्स है, दिस इज फुली ऑप्टिमाइज। लेकिन फिर करेगा क्या, साथ में ये 1000 यूजर्स एट वन टाइम तो कॉल नहीं करते, ठीक है, तो ये देखेगा कि बेशक ये 1000 यूजर्स 10000 भी हो जाए, स्टिल अगर एक वक्त में अगर हर बंदा 10 मिनट बाद कॉल कर रहा है तो फिर 1000 ही कॉल आएगी। तो अब ये मैटर नहीं करता कि कितने सब्सक्राइबर्स और कितने चैनल हो रहे थे, बट ये मैटर कर रहा है कि सब्सक्राइबर जो है कितने टाइम तक चैनल को ऑक्यूपाइड करना चाह रहे हैं, इन अटेम्प्ट, ठीक है। अब आपका कॉल टाइम जो है ना वो मैटर कर रहा है इसमें, और इस केस में लोग उनका पैटर्न कि कब आपने कॉल करनी है, लेट्स सपोज रात को सारे लोग सो रहे होंगे, ये सारा फ्री होगा तो वो रात का उसमें अलग प्रोबेबिलिटी लगा देगा और दिन का अलग, पीक टाइम का अलग, ऑफ पीक टाइम का अलग, ठीक हो गया। अब क्या करेगा कि वो यहाँ पर ऐसे इंटेलिजेंट डिवाइसेस होती है, जो कोई बंदा कॉल करना चाह रहा है इसको नहीं मिलता, वो प्रोबेबिलिटी नोट कर देगा, लाइक 10 पीपल की कॉल जो है वो ब्लॉक हो गई आउट ऑफ 1000, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1000 अटेम्प्ट्स में, 1000 की अटेम्प्ट में 10 लोगों को चैनल नहीं मिला, चैनल असाइन नहीं हुआ, तो वो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर भी किसी कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, कॉल वेटिंग प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह, कोरोना लेडी को मैं जब कभी कभार आप लोगों को बता कर बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली दे आर डूइंग बिहाइंड दिस कि आपको फील नहीं होता, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, और बेसिकली वो चैनल के फ्री होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे ही चैनल फ्री हो जाता है, किसी और ने अपना टेलीफोन सेट रख दिया, वो आपको फिर चैनल दे देंगे, तो ये भी राजनीति है स्टार्टअप, लेकिन दिस इज द थिंग्स सर जी। सर अभी आप बता के अगर एक सेट के अंदर 12 यूजर्स आ रहे हैं, पेडलिंग होते हैं, हाँ, तो वो 7 बजे स्टेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ, तो वो क्या लाइक कहते हैं कि आप ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पावर इंक्रीज करते हैं या चेंज फ्रीक्वेंसी, वो बेसिकली अनदर वर्ड जो BTS है ना, वो BTS के साथ खुद कनेक्टेड है, जो मैं आपको किसी तरह शायद बताया था, कंट्रोल चैनल एक अलग है और आपका डेटा चैनल अलग है, ठीक है। अब कंट्रोल चैनल में आपके पास जो है वो उसमें कंजेशन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, तो डायनामिक चैनल एलोकेशन में ये होगा कि जो एच पे यूजर्स होंगे ना, लेट्स सपोज एक यूजर इधर है और एक यूजर इधर है, तो अब ये तो इसका यूजर है, ये इसका यूजर है, लेकिन अगर और ये इसका जो एंटेना पावर है ना वो एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव को चैनल इंटरफेरेंस। अगर बिल्कुल आइडियली आप यहाँ तक रखें तो फिर तो आगे जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ये बेसिकली इसका रीजन यहाँ तक है, जिसकी वजह से ये अपने कुछ यूजर्स उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जहां पे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, जहां पे कनेक्शन नहीं है वो के यूजर दे देगा, उनसे क्वेश्चन करके जाहिर बात है आपने वो नंबर ऑफ यूजर जो एक के हैं वो दूसरे को बताना है कि वो उसको सर्विसेज दे रहे हैं। ऑल अवेलेबल चैनल्स आर एलोकेटेड टू स्मॉल नंबर ऑफ नेबरिंग बेस स्टेशन, इंटरफेरेंस बिटवीन नेबरिंग बेस स्टेशंस इज मिनिमाइज्ड बाय एलोकेटिंग डिफरेंट चैनल्स, ठीक है। अभी हम चूंकि को चैनल इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका अपना चैनल है, यहाँ पर इसका अपना चैनल फ्रिक्वेंसी है, सो देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है।
ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी ये मैंने उस कंडीशन पे बनाई थी कि दिस इज यूजिंग सी1 एंड दिस इज यूजिंग सी1। ये बात कुछ आप समझ रहे हैं ना, मैं बार-बार गलती कर जाता हूं। यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज सपोज टू बी लाइक दिस, ठीक है। अब एक यूजर जो है इसका यूजर अगर यहां पर भी है और यहां पर ये यूजर है, ये इसकी रेंज इतनी है, लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि इसका अपना चैनल है, इसका अपना चैनल है, यहां पर भी फर्क नहीं पड़ता, इंटरफेरेंस यहां पर है इस रीजन में। तो समझे, ये जो मैंने बात की थी ना बेसिकली, ये बेसिकली इस तरह होनी चाहिए थी। अगर if this one is c2 means ki iski frequency of operation c2 jo f2 jo hai that is 20 megahertz, theek hai, aur iski frequency of operation c f3 is equal to 30 megahertz first kare, theek hai, so inka aapas mein no interference kyunki ye to alag signal iska hai, iska alag hai, yani iska ye aapas mein interference nahi karegi। हम सिर्फ उस इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं जो बिटवीन सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर अगर 20 मेगाहर्ट्ज है तो फिर यहाँ पर C2 ये भी है, यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज है, इसका और इसका आपस में इंटरफेरेंस है। मैं आपको एक और डायग्राम ये डायग्राम की एक नंबर दिखा रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर का एक और डायग्राम मिला था, तो उसको लाने गेट फुल आइडिया ऑफ द थिंग्स, ठीक है। वॉइस कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, मोबाइल टेलीफोनी, ठीक है, और ये आपकी पीटीसीएल वाले हो गए टेलीफोनी, ठीक है, बेस स्टेशन और सेंट्रल फोन। सम फ्रीक्वेंसीज आर रीयूज्ड बाय स्पेशल सेपरेटेड बेस स्टेशन। अदना जी सर, स्पेशल का क्या मतलब? फर्स्ट टाइम स्पेस में एक दूसरे से जियोग्राफिकली सेपरेटेड है, ठीक है, इंटरफेरेंस बिटवीन कोर चैनल स्टेशन इज केप्ट बिलो एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। कौन से इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे? कोर चैनल इंटरफेरेंस। दूसरी इंटरफेरेंस अगर है भी तो वो भी मिटिगेट करनी है, बट यहां पर इशू कोर चैनल इंटरफेरेंस का रहता है। एडिशनल रेडियो कैपेसिटी इज अचीव्ड बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज, कैपेसिटी एनहांसमेंट बाय फ्रीक्वेंसी रीयूज। Fixed number of channels serve an arbitrary large number of subscribers by reuse and interference at optimum value. Cluster is a group of adjacent cells, usually 7. Number of frequency reuse is done within a cluster. Up 7 cells aapko ek cluster dega. आसान भाषा में बताऊं
सर एक महफिल को हम क्लस्टर कहते हैं, उस महफिल के अंदर मुख्तलिफ हमेशा इंक्रीज होगी, तो
अब आपके पास एक ही रास्ता है तो इंक्रीज द कैपेसिटी टेक्नोलॉजी में भी बेस्टली इंक्रीज करने के बाद आपका जो एक्सपेंसेस है भी कम हो जाएगी लाइन सेट सारे इशू आ रहे हैं बस तो पर नहीं आपने देखा ना एक रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हैं तो दूसरा प्रॉब्लम है एक रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरी कर रहे हैं और उसके वजह से दूसरा इशू आ रहा है तो फिर आपने उस इशू को रिजॉल्व करना है उस रिक्वायरमेंट को तो आपने रिवर्स नहीं करना है समझ आए लेकिन ये प्लानिंग स्टेज है सारा कुछ प्लानिंग स्टेज है ऑब्वियसली अभी तक हमारे पास 5G का लाइसेंस नहीं है 3G का लाइसेंस कोई 5-6-7-8-10-12 साल पहले आया अब 3G 4G से हम जंप करेंगे 3G और 4G के इकट्ठे आएगा 3G 4G से हम जो कि पिछले 10 साल पहले जो लाइसेंस आया था जब हम 5G में अभी जंप कर रहे हैं अपग्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास 10 साल के तो ये जो गुजर गए प्लानिंग के लिए मौजूद थे और आगे भी हो सकते हैं अगले 5 साल में आए तो ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि पिछले 10 साल में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है फिर लोगों की कौन सी खरीद कैसी है कि लोगों के पास अभी तक टैबलेट नहीं है या मोबाइल है लेकिन टैबलेट नहीं आया सबके पास और अगर मोबाइल टैबलेट और फिर मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक वॉच टाइप या कोई ऐसी चीज पिछले सिमिलर भी होगा सारी के लिए या कंप्यूटर के लिए लैपटॉप के लिए सो अभी भी जितनी की पॉपुलेशन है उतनी सब्सक्राइबर है तो ये प्लानिंग होगी ग्राफ बनेगा कि अगर अगले 5 साल में 5G लाया जाएगा तो सेल का साइज कितना रखा मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त सर साइज कितने हैं उस दिन आप बता रहे थे 1000 मोर देन 1000 BTS है लेकिन अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि कितने BTS होंगे क्योंकि आप सेल साइज को रिड्यूस करना है सो 1000 विद फिगर वाज टोटली आर्बिट्ररी वो जस्ट वैसे ही मैंने सर 50000 में बोल दिया मे बी 10000 मे बी 1 लाख and the signal falls below a point where it can no longer be used to cause
any interference. और इसलिए मैं किस चीज का एडवांटेज दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिस्टेंस के बाद एटेन्यूएट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर अपना एक नया रेडियस लगा के और वही फ्रीक्वेंसी भी यूज करें. ठीक है, अ ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग इन अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज विल ओनली हैव अ लिमिटेड कवरेज एरिया. ठीक है, तो कवरेज एरिया के हिसाब से आप लोगों ने भी देखना है कि कवरेज एरिया कितना है किसी पर्टिकुलर सेल में, और कवरेज एरिया पर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है. तो जिस तरह इन्होंने बात की थी, हमने भी अभी बात की थी कि माउंटेन एरियाज, तो फिर माउंटेन एरियाज में कवरेज एरिया डिफरेंट होगा उसी बीडीएस का जब आप इसे ब्लैक एरियाज में लगाएंगे. एंड यू नो द रीजन कैसे, एक जगह पहाड़ी इलाके पाकिस्तान में केटू के ऊपर और एक माउंटेन एरिया है, ये प्लेन एरियाज है. प्लेन एरियाज में माउंटेन एरियाज में सेम बीडीएस से कवरेज एरिया डिफरेंट है. लेकिन यू कैन थिंक अब कि वो माउंटेन एरियाज है, लाइन ऑफ साइट नहीं है, रिफ्लेक्शन ज्यादा है, डिफ्रेक्शन ज्यादा है, रिफ्रेक्शन ज्यादा है, विजिटेशन ज्यादा है, सो ऑन एंड सो पेनिट्रेटिंग पावर नहीं है वगैरह वगैरह. देखो दीज आर कॉल्ड प्रोपगेशन फिनोमेना. प्रोपगेशन फिनोमेना जो आपने पढ़े हुए और आप लोग भूल गए हैं, तो लिहाजा आपको भी फायदा नहीं है आपको यार. A transmitter transmitting in a specific frequency range will have only a limited coverage area. ठीक है, so ये एक और terminology आ गई coverage area. ठीक है, कामरान क्या कर रहा है? Beyond this coverage area, the frequency can be reached by another transmitter. The entire network coverage area is divided into cells based on the frequency reuse. याद है काफी? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दो स्लाइड खत्म करते हैं. याद रखे ध्यान रखे. सर मुझे भी याद है.